हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है इसे समझेंगे। देखो, यहाँ पर बोला क्या जा रहा कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यानी जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा कि जो पॉइंट सी था वो लाइन सेगमेंट जो हमारा ए बी था उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन हो उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, उसके अलावा दूसरा कोई मिड पॉइंट नहीं हो सकता। तो ये देखो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही, वहाँ के कई टर्म्स यूज करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ए बी जो होगा हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अपन एक लाइन बना के समझते हैं इसको। ये हो गया हमारा ए बी। अब इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं सी, ठीक है, और एक मिड पॉइंट ले लेते हैं डी। ठीक, यहाँ पर दोनों हम लोग ये दो पॉइंट ले लिए। अब दो पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि केवल एक ही पॉइंट जो हो सकता है वो यहाँ पर क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। दो पॉइंट अलग अलग जगह पर किसी भी लाइन के मिड पॉइंट नहीं हो सकते। आप कोई भी लाइन ले लो, जैसे कि मान लो आप एक 4 सेंटीमीटर का लाइन लोगे, 4 सेंटीमीटर का लाइन है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। अगर आप 10 सेंटीमीटर का लाइन लेते हो तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। 6 सेंटीमीटर तो मिड पॉइंट कहलाएगा नहीं। मिड पॉइंट किसको बोलते हैं, एकदम बीचों बीच का पॉइंट, जो उसको सेंटर से यानी कि दो बराबर बराबर भागों में जो डिवाइड कर सके उसको ही मिड पॉइंट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ फिलहाल मानने के लिए यानी कि आपको समझाने के लिए दो पॉइंट ले लिए हैं, सी और डी। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों क्या हमारे मिड पॉइंट है, ताकि हम अपने आप को गलत साबित कर सके, क्योंकि इसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि लेट सी एंड डी बोथ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का जो है सी और डी दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमने भी एक क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो अगर हमारा सी जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि हमारा अगर सी मिड पॉइंट है तो ए सी और यहाँ से हमारा ये जो बी सी है इस साइड से, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यही हमको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया भी गया था और इसको हमने सॉल्व भी किया है। देख लो आप कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो चलो फिलहाल उसमें नहीं जाते हैं, इसी को समझते हैं कि हमारा ए सी जो होगा और बी सी जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये बीचों बीच में आता है और बीच में आता है तो दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और बीच में आएगा तभी तो वो हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा ना। तो ए सी और बी सी जो हो गया वो इक्वल हो गए। इसके अलावा हमने एक चीज वहां पर और प्रूव किया था कि जो हमारा ए सी होगा वो पूरे लाइन का क्या होगा, आधा होगा। यानी पूरा लाइन जो हमारा ए बी है उसका आधा ही हमारा ए सी होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इसको आप ये भी लिखोगे कि ऑल्सो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, ये सब अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 आएगा तो ये 5 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है अलग से, मतलब कि नहीं दिया रहता है, नहीं तो अगर अलग से देगा तो फिर पूरा पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा से, इसलिए 4 ज़्यादातर आता है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले प्रूफ कर रखा है कि जो ए सी होगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा पूरे पूरे ए बी का। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। अब यहाँ पर आप करोगे ऑल्सो, अब चूंकि देखो हमारा सी जो था वो मिड पॉइंट था इसलिए ये सब कंडीशन आ रहे हैं, है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और उसी तरीके से अगर हमारा डी भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब ही है कि अगर ये भी मिड पॉइंट है तो जो हमारा ए डी होगा और जो डी बी होगा वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ए डी इक्वल टू डी बी। ठीक है, चूंकि अब ये भी हमारा मिड पॉइंट है तो ए बी और डी बी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ए डी और डी बी अगर इक्वल हो रहा है तो जो हमारा ए डी होगा वो हाफ ए बी हो जाएगा, क्योंकि अगर वो मिड पॉइंट है तो ए बी का क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गई इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि इधर भी आधा हाफ है और इधर भी आधा हाफ है। तो हमने एक एग्जाम पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारे जो चीज़ें हैं, दो अगर हमारे पास सीज दिए गए हैं, दो भी हमारे पास टर्म दिए गए हैं, अगर वो दोनों किसी तीसरे के आधे की इक्वल हैं। ठीक है, हमने एक पढ़ा था ना एग्जाम कि हाफ लास्ट एग्जाम था मेरे ख्याल से, फिफ्थ नंबर का जो एग्जाम था यूक्लिड्स का, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर आधे के इक्वल है तो वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इधर भी वन बाई टू ए बी है, इधर भी 1/2 AB है, यानी ए सी और ए डी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ए सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, सॉरी ए बी लिख दे रहा हूँ जल्दी से, ए डी। तो यहाँ पर हमने को क्या मिल रहा है कि ए सी और ए डी इक्वल कब होगा, जब हमारा दोनों एक ही पॉइंट हो। अलग अलग अगर पॉइंट है तो ए डी और ए सी जो हमारे हैं वो इक्वल हो सकते हैं क्या? जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो हमारा ए से लेकर के डी तक तो यहाँ तक आ रहा है,
और उसी तरीके से हमारा ए से सी कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस वाले पॉइंट में आ रहा है। तो दोनों अभी इक्वल तो है नहीं, लेकिन हमने क्या साबित कर दिया भैया, दोनों इक्वल साबित हो गए। तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों क्या हो, एक ही पॉइंट में हो, एकदम बीचों बीच सेंटर में जब दोनों रहेंगे ना। मान लो ये हमारा सेंटर है यहाँ पर, और यही जो हमारा पॉइंट है वो ए डी भी है, और वही पॉइंट हमारा ए सी भी है, तभी क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल प्रूफ नहीं होंगे। तो लास्ट में आप लिख दोगे कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल व्हेन सी एंड डी बोथ आर रिप्रेजेंट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, अगर एक ही पॉइंट को दोनों रिप्रेजेंट करेंगे तभी जा करके हमारा ए सी और ए डी इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि दो मिड पॉइंट हमारे नहीं हो सकते, केवल हमारे पास एक ही मिड पॉइंट होगा, चाहे आप उसका नाम सी दे दो, चाहे डी दे दो, चाहे दोनों दे दो। समझ आया मेरी बात? तो हमारे पास हमेशा केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, चाहे आप कितना ही बड़ा लाइन बना लो, जैसे कि मैंने आपको नंबर से शुरू में ही समझा दिया था। तो इस तरीके से इसको वैसे प्रूव करना था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके यहाँ पर बनाया है, क्वेश्चन नंबर 4 में इतने ही को साबित करने के लिए हमको इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ा था। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।